नवम घर में शुक्र का फल। मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार अभिनंदन। प्रिय दर्शकों, इससे पहले आपने अष्टम स्थान के शुक्र के बारे में फलादेश सुना, देखा। अब नवे घर में यानी भाग्य के घर में शुक्र क्या फल देगा, ये ध्यान से, पूरे ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। आपकी जन्म कुंडली में क्या आपका शुक्र नवे घर में है? यदि हाँ तो किस राशि पर है? क्योंकि शुक्र के फल नवे घर में प्रायः सभी जितने भी विद्वान हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने शुभ ही बताया है। किंतु शुभ फल कब होता है, इसके बारे में जान लेना भी अति आवश्यक है। बहुत सारे प्राचीन लेखकों ने और पंडितों ने, ज्योतिषियों ने अच्छे विचार बताए शुक्र के बारे में नवे घर में, परंतु होता क्या है? विचार और अनुभव के अनुसार यदि नवे घर में शुक्र फल तब देगा जब मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक तथा मीन राशियों का होता है। तब जो कोई अशुभ फल किसी भी विद्वान ने बतलाए हैं, उनका अनुभव शेष राशियों में ही मिलता है। तांबे का सोना बनाना, असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए दवाइयां खोजना, स्त्री को पुरुष में परिवर्तन आदि की खोज की ओर प्रवृत्ति जातक की तभी होती है जब शुक्र, कर्क, वृश्चिक तथा मीन राशियों में होता है नवे घर में, ऐसा प्रतीत होता है। नवम स्थान में शुक्र केवल पिता को दीर्घायु करता है, ऐसा ही नहीं है परंतु माता भी दीर्घायुष्य प्राप्त करती हुई देखी गई है। मां का दीर्घायु होना विशेषतया अधिक मात्रा में पाया गया है। अगर शुक्र पुरुष राशि में हो तो भाई अधिक और बहिने कम होती हैं। पुरुष राशियां कौन कौन सी हैं? मेष, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये पुरुष राशियां हैं। तो यदि भाई अधिक और बहने कम संख्या में हैं तो इन्हीं राशियों में देखा गया है। लड़के कम और लड़कियां अधिक होती हैं। स्त्री राशि का शुक्र हो तो भाई और संतान पुत्रों की स्थिति पुरुष राशि के समान होती है। पत्नी साधारण तो भी पति पत्नी में प्रेम रहता है। अगर शुक्र मिथुन, कर्क, धनु और मकर राशि का हो तो विवाह के अंतर के बाद भाग्योदय होता है। यदि शुक्र मिथुन, कर्क, धनु और मकर राशि का हो तो नवे घर में विवाह के बाद ही भाग्योदय होता है। व्यापार करने के लिए स्त्रियों से धन प्राप्त होता है नवे घर में शुक्र बैठा हो तो, परंतु औरत की मृत्यु के बाद सारा धन नष्ट भी हो जाता है जिस व्यक्ति का नवे घर में शुक्र बैठा होगा। यह शुक्र कन्या और कुंभ राशि में हो तो संतान के जन्म के बाद भाग्योदय होता है संतान से। इसमें पहले कन्या संतान होती है तो वैभव स्थिर रहता है। अगर पहले पुत्र हो तो पहले अच्छी स्थिति होती है और बाद में अवनति हो जाती है।
मिथुन और वृश्चिक में अगर शुक्र हो नवें घर में तो मृत्यु समय में स्थिति वैभवशाली होती है बुढ़ापे में, मृत्यु के टाइम तक। मेष मिथुन सिंह तुला तथा धनु राशि का शुक्र हो तो पत्नी प्रत्येक प्रकार से सुंदरी होती है। मेष मिथुन सिंह और तुला तथा धनु राशि का यदि नवे घर में शुक्र हो तब भाल विशाल यानी कि माथा चौड़ा, नेत्र बड़े और चमकीली, केश लंबे काले और चमकीले, स्वभाव आनंद से युक्त, जगत में अनासक्ति, संतान के लिए विशेष इच्छा नहीं होती है नवे घर में शुक्र हो मेष मिथुन सिंह तुला और धनु राशि का तो। हाँ, पत्नी बहुत सुंदर होती है। नवे घर में यदि शुक्र हो तो गायन वादन सिनेमा आदि ललित कलाओं में निपुणता और कीर्ति प्राप्त होती है। यदि शुक्र कर्क वृश्चिक और मीन हो तो पत्नी गोरी मिलती है, निर्भीक होती है और स्पष्ट बोलने वाली पत्नी होती है, ऐसे व्यक्तियों की प्रभावशालिनी होती है। घर में अपना अधिकार स्थापित करने वाली पत्नी मिलती है। अगर शुक्र कन्या और मकर राशि में हो तो स्त्री का चेहरा गोल, अभिमत्ता भरी यानी कि अभिमान से भरा हुआ और कोप युक्त होती है। इसकी किसी से भी बनती नहीं, स्वार्थ भरी प्रवृत्ति होती है। यदि यह शुक्र दूषित हो तो विवाह अन्य जाति के या अथवा आयु में बड़ी स्त्री से अथवा विधवा से विवाह होता है, अगर शुक्र दूषित हो तो, परंतु जरूरी नहीं है। अब दूषित कैसे होता है? शुक्र पर यदि शत्रु ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो, शुक्र की अवस्था कमजोर हो जाए तो, अंश कलाओं से कमजोर हो जाए तो, अगर मीन में शुक्र हो नवे घर में तो इसका फल तीसरे स्थान के बराबर होता है, अर्थात कलंक इत्यादि लगने का भी भय रहता है। जातक की रुचि अनैसर्गिक यानी कि अस्वाभाविक स्त्री संबंध की ओर रहती है। यह जातक रिश्ते में बड़ी स्त्रियों से जैसे फूफी, मामी, मौसी और मित्र पत्नी से अवैध संबंध रखता है। यानी नवे घर में शुक्र यदि मीन में हो तो मेरा भाव आप लोगों को हर ग्रह के बारे में अलग अलग घरों में क्या क्या फल होता है बताने का अभिप्राय है। इससे बड़ी आसानी से आप हर एक वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे कुंडली में, अपनी कुंडली के अनुसार देखना। तो इस विषय को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप लोगों से लेता हूं विदा। अगले वीडियो में यानी कि दसवें घर में शुक्र का क्या फल होगा ये विचार लेकर के तब तक के लिए लेता हूं आप लोगों से आज्ञा और बोलता हूं आप सभी से नमस्कार।